हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक है इनपुट आउटपुट इन सी यू आई एंड जी यू आई। वेल, सी यू आई का मतलब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब कि जो हम लोग पावर शेल या सी एम डी में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जैसा हमें आउटपुट मिलता है, दिस इज सी यू आई, दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एंड जी यू आई, जी यू आई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक ऐप के अंदर जो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, जैसे ऐसा कुछ होता है, उसे हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अब से मैं हमारे प्रोग्राम्स जो बनाऊँगा वो बनाऊँगा इंटेलिजे आइडिया नाम की एक आईडीई के अंदर। आप आई थिंक कि तुम लोगों को पता चल गया है कि तुम लोग नोटपैड के अंदर कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसे सीएमडी के अंदर कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो तुम लोग चाहो तो नोटपैड के अंदर ही कंटिन्यू कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए ये IDE का यूज़ करूँगा। सो गाइस, IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इसलिए यूज़ होती है क्योंकि इसमें प्रोग्राम फास्ट बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे सिर्फ एस लिखूँगा तो भी मुझे काफ़ी सारे सजेशंस मिल जाते हैं और मुझे पूरा टाइप नहीं करना पड़ता, बहुत फास्ट काम हो जाता है। प्लस अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रन करके मुझे कुछ भी जावा सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे वो रन हो जाएगा यहाँ पे नीचे और आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग नोटपैड में भी कंटिन्यू कर सकते हो। सो गाइज, हमें ये पता है कि हम लोग आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं। हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करते हैं। सो इसकी वर्किंग कैसे होती है एक बार वो देख लेते हैं। सो गाइज, ये जो सिस्टम है वो एक क्लास है, जावा के अंदर पहले से एक क्लास है जिसका नाम है सिस्टम, और ये जो आउट है वो उस सिस्टम क्लास के अंदर का एक प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। एंड ये जो प्रिंट एलन मेथड है वो एक प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास के अंदर एक मेथड है। आई नो कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट एट लास्ट यू कैन से कि ये एक क्लास के अंदर का एक ऑब्जेक्ट है किसी प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास का, जिसके अंदर प्रिंट एलन नाम की मेथड है। डोंट वरी, एकदम मेट्रो साइंस, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली ये ऐसा है कि तुम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ कर सकते हो टू डिस्प्ले योर आउटपुट। और आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं। सो गाइस, इनपुट लेने के लिए मुझे पहले कुछ इम्पोर्ट करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल्स डॉट स्कैनर। अब ये मैंने क्या किया, लेट मी शो यू। मैं पहले यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ओके, सो गाइज, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जावा डॉट यूटिल्स डॉट स्कैनर, ये हम कह सकते हैं कि जावा नाम का एक पैकेज है जिसके अंदर यूटिल नाम का एक दूसरा पैकेज है और स्कैनर उसके अंदर की क्लास है। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। ऐसा समझो कि ये एक फोल्डर है जावा नाम का। उस जावा नाम के फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जिसमें से एक फोल्डर है यूटिल, और यूटिल्स के अंदर स्कैनर नाम की क्लास है। जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही है। ओके, सो यहाँ पे भी सेम फंडा है, हमारे पास पहले से ही जावा की प्री डिफाइंड बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं। मैं यहाँ पे इम्पोर्ट लिखता हूँ, जावा लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ, तो यू नो यहाँ पे बहुत सारे मुझे फोल्डर्स दिखा रहे हैं, जावा डॉट आई ओ, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट मैथ, जावा डॉट नेट। ये सारे के सारे फोल्डर्स हैं, ये सारे प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारी क्लास के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग डॉट जावा से इसे सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार जो है वो इम्पोर्ट हो जाता है हमारी इस फाइल में। अब ये जावा डॉट लैंग क्या है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो आ जाती है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये मैंने यहाँ पे स्टार क्यों लिखा है और यहाँ पे स्कैनर क्यों लिखा है। तो गाइस, स्टार का मतलब है एवरीथिंग, मतलब जावा डॉट लैंग के अंदर काफ़ी सारी क्लासेस होगी लेकिन मुझे सारी क्लासेस का यूज़ है, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार लिखा। इसी तरह मैं यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी लिख सकता था, जिससे जावा डॉट यूटिल की सारी जो भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाती, लेकिन मुझे सिर्फ स्कैनर का यूज़ है, इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ स्कैनर लिख रहा हूँ। सो गाइस, आई थिंक कि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जावा के अंदर पहले से ही काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं जिसे जावा के अंदर पैकेजेस कहते हैं,
और उनके अंदर काफ़ी सारी प्री डिफाइंड क्लासेस है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे जावा डॉट लैंग डॉट स्टार लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो पहले से ही आ जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्कैनर नाम की एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्कैन करके, और ये स्कैनर नाम की जो क्लास है वो हमें यूज़ होती है व्हेन वी वांट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। और ये जो है ये उसकी आर्ग्यूमेंट में जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उसकी आर्ग्यूमेंट के अंदर सिस्टम डॉट इन का एक ऑब्जेक्ट लेती है। अभी इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना जानना है जैसे तुम लोगों ने ये देखा सेम टू सेम तुम्हें ये देखना है। ओके, तो तुम लोग अगर ये बनाओगे तो एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा स्कैन नाम का जो हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं फॉर इनपुट्स। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर एंटर योर चैनल्स नेम। ओके, तो तुम्हें पता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, एंटर योर चैनल्स नेम आएगा, दैट्स इट। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैन डॉट, देखो अब ये आईडी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसमें सारी की सारी मेथड्स बता देता है जो भी स्कैन नाम की क्लास के अंदर है। तो मैं यहाँ पे स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज़ करूँगा। ये एक स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन जो है वो तुम्हें, अगर तुम लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें हम लोग जब एक मेथड बनाते हैं तब ये यूज़ करते हैं। तो स्कैनर नाम की क्लास के अंदर नेक्स्ट लाइन नाम की एक मेथड है जो हम लोग ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जो कि डॉट है उसको यूज़ करके लिख रहे हैं। डोंट वरी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस यू कैन सी कि यहाँ पे हमने स्कैनर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस स्कैनर नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमने नेक्स्ट लाइन करके एक जो उसकी मेथड थी उसे कॉल किया। अब मैं इसे रन करता हूँ। सो गाइज, ये हो गई रन, और देखो यहाँ पे एंटर योर चैनल्स नेम आ गया और यहाँ पे देखो ब्लिंक हो रही है। ये ब्लिंक क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज़ वेटिंग फॉर अवर इनपुट, वो हमारे इनपुट का इंतज़ार कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउस द कोड एंड एंटर करूंगा, दैट्स इट। और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इनपुट तो ले लिया, लेकिन इनपुट लिया ही क्यों अगर उसका कोई काम नहीं था? तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग है ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। अब होगा क्या, हम जब लिखेंगे कुछ भी हाउस द कोड तो वो जो है वो हमारे इस स्ट्रिंग एस नाम का जो ये वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर ये जो एस नाम का हमारा वेरिएबल है उसे शो करवा सकते हैं। एक बार से रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। सो गाइज, ये रन हो गया और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैं कुछ लिखूँ, तो मैं अब लिखता हूँ हाउस द कोड एंड एंटर। सो यू कैन सी जो भी मैंने लिखा वो उसने पहले इस एस के अंदर स्टोर किया और उसके बाद उस एस को यहाँ पे प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट कर दिया। सो इसी तरह तुम लोग अगर CMD में वर्क कर रहे हो और तुम्हें कुछ भी स्कैन करवाना है तो तुम लोग इस स्कैनर की क्लास का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन यूज़ करके कर सकते हो। इसी तरह तुम चाहो दो लाइन्स यूज़ करना तो तुम लोग यहाँ पे एक और यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो वो इसी तरह स्कैन कर देगा। सो ये था हमारा CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर इनपुट आउटपुट। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि है GUI इनपुट आउटपुट। GUI इनपुट आउटपुट के लिए भी पहले से ही जावा के अंदर एक क्लास है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो जावा, इसके लिए हमें इनपुट करना पड़ेगा जावा एक्स। रिमेम्बर दिस, ये जावा नहीं है, जावा एक्स लिखा है मैंने। इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पेन। यू कैन सी मैंने लिखा है जे ऑप्शन पेन। ओके, तो ये जे ऑप्शन पेन नाम की पहले से ही क्लास है स्विंग पैकेज के अंदर जो कि जावा एक्स पैकेज में है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मैं अब लिखूंगा जे ऑप्शन पेन डॉट, देखो पहले से ही काफ़ी सारी मेथड्स मुझे दिखा रहा है इसके अंदर जो है। तो इसकी एक मेथड है शो इनपुट डायलॉग, जिसके अंदर अब मुझे लिखना है कि मैं क्या
दिखाना चाहता हूँ, मतलब जैसे मैंने लिखा था पहले एंटर योर चैनल्स नेम, तो उसी तरह इसमें मुझे क्या लिखना है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट्स नो एंटर योर चैनल्स नेम, सिंपल, ठीक है। और फिर मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आता है। सो ये बिल्ट हो रहा है एंड यू कैन सी ये कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो है वो हमें दिखा रहा है। सो ये होता है जब हम लोग यूज़ करते हैं शो इनपुट डायलॉग का मैसेज। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाउस द कोड सिंपल, और यहाँ पे ओके दबा दूंगा और बस हमारा प्रोग्राम हुआ, क्योंकि इसमें हमने और कुछ डाला ही नहीं था। तो अभी जैसे हमने पिछली बार जो स्कैन किया वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, वैसे ही इसे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू जे ऑप्शन पेन। एक बात ध्यान रखना कि ये जो मेथड है शो इनपुट डायलॉग ये कुछ रिटर्न करती है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था एक रिटर्न टाइप होता है, तो इस शो इनपुट डायलॉग का भी जो है रिटर्न टाइप वो है स्ट्रिंग। तो ये हमेशा जो भी रिटर्न करेगी वो स्ट्रिंग के अंदर ही करेगी। तो तुम लोग अगर स्टोर करना चाहो तो उसे स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर करना। और अब इसी चीज़ को हम लोग डिस्प्ले कराएंगे इन अ GUI फॉर्म। तो मैं पे लिखूँगा जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ओके, पहले मैंने यहाँ पे लिखा था शो इनपुट डायलॉग और अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे शो मैसेज डायलॉग। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस। पहले इसमें एक्चुअली दो आर्ग्यूमेंट्स डालनी होती है, एक होता है हमारा पेरेंट कंपोनेंट, अभी के लिए यू कैन राइट हियर नल, ठीक है। पहली आर्ग्यूमेंट तुम्हें डालनी है नल और दूसरी आर्ग्यूमेंट डालनी है एस। एस जो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने हमारा इनपुट स्टोर करवा रखा है, सिंपल। अब मैं इसे रन करके तुम्हें दिखाता हूँ। सो एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जहाँ पे मैं लिखूंगा हाउस द कोड, ओके दबाया और यू कैन सी यहाँ पे एक मैसेज आया हाउस द कोड। सो इस तरह यू कैन यूज़ दिस GUI कंपोनेंट्स। ओके, तो अभी तुम लोग चाहो तो इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो CMD के साथ, वरना अभी तो तुम्हें पता है कि तुम लोग GUI से कैसे इनपुट आउटपुट ले सकते हो। तो CMD में तुम लोग इनपुट आउटपुट लेते हो, इससे अच्छा तुम लोग GUI में इनपुट आउटपुट लो। ओके, सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मैं एक ब्रीफ में तुम्हें बता देता हूँ कि आज क्या क्या मैंने कहा। हम लोग जब कुछ इनपुट कराना चाहते हैं CUI में हमारे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक स्कैनर क्लास जो कि पहले से ही अवेलेबल है, और उसकी डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड जो है उस नेक्स्ट लाइन मेथड से यूज़र कुछ भी लिखता है नेक्स्ट लाइन में, उस पूरी लाइन को वो स्टोर करवा सकते हैं हम लोग किसी स्ट्रिंग के अंदर और उसे शो करवा सकते हैं। और इसी तरह एक जे ऑप्शन पेन नाम की क्लास है जो कि स्विंग पैकेज के अंदर है, जो पहले से ही जावा एक्स पैकेज के अंदर है, और उसके अंदर एक मैसेज एक फंक्शन है मेथड है शो इनपुट डायलॉग, जिससे हम लोग एक इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। एंड एक शो मैसेज डायलॉग करके एक मेथड है जिससे तुम लोग आउटपुट शो कर सकते हो इन अ GUI फॉर्म। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।